पिंपरी चिंचवड़ शहर में हत्या मारपीट के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक उसी तरह 5 दिन पहले चिखली पुलिस थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर परिसर में रहने वाले जीवन शर्मा नाम के व्यक्ति की पैसे के लेन देन में उनके दोस्त ने निर्मम हत्या की है। इस वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे दोस्त को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले त्रिवेणी नगर परिसर में रहने वाले जीवन शर्मा नाम के व्यक्ति की उनके दोस्त आरोपी राजेश कुमार राम प्रवेश राम ने पैसे के लेन देन के चलते जीवन शर्मा के सर पर छोटे सिलेंडर से मारकर निर्मम हत्या कर दी है। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो एक साथ ही भोसरी और महालुंगी परिसर में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले आरोपी राम प्रवेश राम को काम ना होने पर वो जीवन शर्मा और उनके दोस्त तिलक बस तोटा के साथ रह रहा था। आरोपी को काम ना होने पर लेन देन के लिए पैसा ना होने पर उन्होंने अपनी बहन से तिलक बस तोटा के अकाउंट पर 3,000 रुपए मंगवाए थे, लेकिन मृतक जीवन शर्मा ने और उनके दोस्त तिलक बस तोटा ने उन्हें सिर्फ 5 रुपए ही देकर उन्हें रूम से बाहर निकाल लिया था। इस बात को लेकर आरोपी ने गुस्से में आकर जीवन शर्मा से झगड़ा किया था। उस झगड़े में आरोपी ने जीवन शर्मा के सर पर छोटे सिलेंडर से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और वो वहाँ से फरार हुआ। इस पूरे घटना की जांच करते हुए चिखली क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाउसकीपिंग करने वाला एक कर्मचारी जीवन नंदलाल शर्मा, इसको किसी भोथरे हथियार से का इस्तेमाल करके उसके सर पे बहुत गहरा घाव करके मार दिया गया। इसकी हत्या के बाद कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उसके जान पहचान वाले नहीं थे, उसके नाते रिश्तेदार के कोई नहीं थे। 9 महीने से वो यहाँ पर काम में था और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। CCTV फुटेज से एक व्यक्ति उसके साथ आता जाता दिखा। इसके आधार पर जब जानकारी ली जाने लगी तो ये पता चला कि कभी कभी उसके साथ एक व्यक्ति रहता था। ये झगड़ा इस बात के लिए हुआ कि इसके पास अपने अकाउंट पर बिहार में अपनी बहन के अकाउंट पर 3,000 रुपये उसने मांगा। जब ये नहीं देने को तैयार हुआ तो उसने उस पे प्रहार किया और उसको मार दिया। और ये छोटे गैस सिलेंडर की टंकी जो होती है, उस टंकी का इस्तेमाल किया उसने उसको मारने में और उसी से उसे वहीं पर उसने हत्या कर दी और वहां से निकल भागा। और वो भागने की तैयारी में था। चिखली पुलिस स्टेशन की ये एक सुंदर कार्रवाई है और जीवन शर्मा के ये खून का जो रहस्य था वो बहुत अच्छी तरीके से उद्घाटित कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पिंपरी चिंचवड़।